चकली चाट बनाने के लिए चाहिए हमको एक कप मैदा, एक आधा कप रवा, अजवाइन स्वाद अनुसार नमक, मोइन के लिए तेल। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से इसकी डो बना लेंगे। आटा हमारा बन चुका है, उसको 5 मिनट की छोड़ देंगे हम। हमको चाहिए बारीक कटी हुई ही टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, उबले हुए आलू, नींबू चाहिए, कटी हुई प्याज चाहिए, उबले हुए छोले चाहिए, बूंदी चाहिए, नमकीन, दही, कद्दूकस किए हुए पनीर। नमक डालेंगे स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा डालेंगे, काला नमक, चाट मसाला, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, दही, आधा कटा हुआ नींबू, कटा हुआ धनिया। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा आटा बन चुका है, अब हम उसको पूरी की तरह बेलेंगे अच्छे से। चम्मच की सहायता से अब हम उसमें छोटे छोटे छेद कर देंगे, जिससे कि हम उसको तलेंगे तो हमारी ये कटोरी चाट फूलेगी नहीं। अब हम एक कटोरी लेंगे, उसमें ऑयल लगाएंगे, इस पूड़ी को इसके ऊपर डाल के अच्छे से उस कटोरी को कवर कर देंगे। अब हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें तेल डालेंगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम उसमें बनी जो कटोरी बनाई है उसे डालेंगे, अच्छे से तलेंगे। जो तेल है कटोरी के अंदर डालेंगे, जिससे कि हमारी ये कटोरी आसानी से निकल जाएगी। हमारी कटोरी अच्छे से निकल चुकी है, अब इसको अच्छे से चिमट की सहायता से निकाल लेंगे। अब इसको अच्छे से पलट के अच्छे से सेकेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अब हमारी कटोरी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम उसको निकाल लेंगे। कटोरी तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे मसाला बनाया है वो। इसमें डालेंगे हम कटी हुई प्याज, कटी हुई टमाटर, अब हम इसमें डालेंगे बूंदी, कद्दूकस किए हुए पनीर डालेंगे उसमें,
अब हम इसमें डालेंगे काला नमक स्वादानुसार। अब डालेंगे भुना हुआ जीरा। इसमें डालेंगे सॉस। हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अब इसमें डालेंगे नमकीन। अब डालेंगे दही। आधा कटा हुआ नींबू डालेंगे। हमारी कटोरी चाट तैयार है।